स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेनरशिप जो लेक्चर नंबर वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी एमसीक्यूज़ देखेंगे हम इसमें ये आपके बीकॉम कॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपका ये तो इसमें हम बेसिक एक फंडामेंटल हम जानेंगे एंटरप्रेनरशिप होते क्या हैं किस लिए होते फंडामेंटल एम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स पेपर में वाले क्वेश्चन हैं ठीक है इसके पहले मैंने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड किए हैं एमसीक्यू सीरीज हो चाहे थ्यूरी हो जिससे भी इंटरेस्टेड है देखने में और प्लस अगर कोई इलेवेंथ में है ट्वेल्थ में भी है और अगर कॉमर्स में भी नया नया आया है जिसको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करना है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है उसे देख लीजिए आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन की एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स क्रिएट्स एंड न्यू बिजनेस दैट कैन कॉल बी कोई एक व्यक्ति है मैनेज करता है, है नई बिजनेस में तो उसे हम क्या कहते हैं ठीक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंडिविजुअल है कोई नई चीज इशन करता उसको मैनेज करता है ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे एंटरप्रेन्यर दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी सही हो जाएगा सम वन हु इम्प्रूव एन एग्जिस्टेंट बिजनेस कैन बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रिन्यर एंड प्रोफेशनल ए को वर्कर ए तो समवन जो क्या होता है कि जो बिजनेस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें कुछ सुधार लाता कुछ इंप्रूवमेंट लाता तो उसे हम क्या कहते हैं एंट्राप्रेन्योर कहते हैं ठीक है इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं जब वो बिजनेस में नई चीज़ को कुछ क्रिएट करता, करता है मैनेज करता है इनोवेट करता है तो उसे हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो बिजनेस चल रहा और उसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंट्राप्रेन्योर तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोनों में डिफरेंस देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट सी है रिस्क टेकिंग डी ऑल ऑफ द अब इसमें से कहता है कौन सा एक है इंडिविजुअल जो प्रोवाइड करता है मोटिवेशन टू विद स्टार्ट अ बिजनेस uh, वेंचर तो इसमें से एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड ए डिजायर टू इंडिपेंडेंट एंड रिस्क टेकिंग तीनों चीजें क्या होती है मोटिवेट करती हैं कोई बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है विच इंडस्ट्रियल सेक्टर लीज टू नेचुरली प्रोमोट स्मॉल स्केल बिजनेसिस एंड एंट्रप्रीनरशिप एंड जनरली हैज लोअर बैरियर्स टू मार्केट एंट्री ठीक है हम देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है थीके? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बट इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हिंदी एंड इंग्लिश क्योंकि हम दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेसिकली जो स्मॉल स्केल बिजनेस और एंटरप्रिनरशिप को और जनरली लोअर बैरियर्स मार्केट में एंट्री को क्या करता है प्रमोट करता है बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं मैनुफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एग्रीकल्चर तो ए हो जाएगा आपका सर्विस सेवाएं क्या होती हैं सर्विस uh, जो होती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो क्या करती हैं प्रोमोट करती हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रिनरशिप को को बेसिकली लोअर बैरियर्स को मार्केट में तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूके गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ पॉलिसीज टू इनकरेज एंटरप्रिन इन स्कूल्स आवर सच इनिशिएटिव इज यंग यंग्रेस

पहला कहता है दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेनर्स बी कहता है दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज एंड नेक्स्ट है दे कैन बी इनोवेटर्स फॉर न्यू प्रोडक्ट की डी ऑल ऑफ द अबब स्मॉल बिजनेस इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं कंट्री इकोनमी के लिए बेसिकली ये हमें क्या देती हैं इनोवेटर्स नई नई चीज़ों को इनोवेशन प्रोडक्ट को इन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं दूसरा कि लार्ज प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट मिलते हैं हमें कि लार्जर कंपनीज uh, के लिए ठीक है एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेनर्स uh, के लिए क्या आते हैं आउटलेट्स देते हैं तो ये चार तीनों चीज़ें हमारी आती हैं किसी भी स्मॉल स्मॉल बिजनेस को इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के इकोनॉमी के लिए इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कैन प्रोटेक्ट ट्रेड मार्क कॉपी

सेल कर सके अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को तो बेसिकली वो कौन सी होती है एक फ्रेंचाइजी होती है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को अलाउ करता है कि अपने बिजनेस नेम ताकि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या कर सके सेल कर सके इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर बिजनेस फेल्यूर लाइ लैक ऑफ मार्केट रिसर्च पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल पुअर मैनेजमेंट की डी ऑल ऑफ द वो इसमें से कहता है कौन सा रीज़न है बिजनेस फेल्यूर अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस चल रहा हो और ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो इसमें हो सकता है मार्केट रिसर्च भाई उसकी कमी हो ठीक है हमारे पास उतनी फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से मैनेजमेंट जो है व्यवस्था जो है वो पूरी है तो इस वजह से हमारा बिजनेस क्या हो सकता है फेल्यूर हो, हो सकता है फेल हो सकता है इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन है यूज ऑफ इंफॉर्मल नेटवर्क बाय एंटरप्रेनर द्वारा ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके वो कौन से होते हैं तो वो होते हैं इंटरप्रिनल नेटवर्किंग इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंटरप्रिन अबाउट कॉम्पिटिटर्स कैन बी ओबर वेबसाइट

और क्या कर सके डेमोन्स्ट्रेट uh, कर सके वेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर गाइड कर सके बिजनेस एक्टिविटीज को उसके उद्देश्य के हिसाब के डिफाइन करके तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है प्राइमरी डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा द डाटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट एंड द न्यू डाटा स्पेशली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड डी डाटा दैट इज कलेक्टेड सेकेंड तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो बेसिकली हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं पहली मतलब न्यू डाटा स्पेशली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट तो प्राइमरी डाटा इज बेसिकली एक न्यू डाटा होता है फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन जो होता है जो प्राइमरीली हम पहली बार उसको डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा द न्यू डाटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट इसलिए सही हो जाएगा सी इनोवेशन कैन बी डिफाइंड एज इनोवेशन मतलब हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है इनोवेशन मान लीजिए इनोवेशन का मतलब कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करना कोई नई चेंजेस लाना ठीक है तो इनोवेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में कर सह, कह सकते हैं कि कुछ नया करना कुछ डेवलपिंग न्यू थिंग क्रिएट न्यू थिंग्स ठीक है नई चीज़ खोज करना तो इसमें क्या होगा न्यू आइडियाज़ लाना ये सारी चीज़ें तो द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज द रिवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडियाज द अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी द सक्सेसफुल एक्सप्टेशन ऑफ न्यू आइडियाज तो इनोवेशन को हम बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं किससे जिसमें हम नई आइडियाज को क्या करते हैं सक्सेसफुली एक्सप्लाइट करते हैं द सक्सेसफुल एक्सपॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही नेक्स्ट है विच ऑफ़ दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट फॉर एंटरप्रिनरशिप एंटरप्रीनरशिप टेक प्लेस इन स्मॉल बिजनेस ठीक एंटरप्रीनरशिप टेक प्लेस इन लार्ज बिजनेस एंटरप्रीनरशिप टेक प्लेस इन अ वाइड वैराइटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंटरप्रिनरशिप डिज नॉट टेक प्लेस इन सोशल इंटरप्राइजेस तो बेसिकली इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कॉन्टेक्सट ऑफ एंटरप्रिनरशिप तो बेसिकली इट डिस्क्राइब दैट एंटरप्रिनरशिप टेक प्लेस इन अ वाइड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही एंटरप्रिनर्स आर मोटिवेटेड बाय मनी पर्सनल वैल्यूज फुल इन्फ्लुएंस की ऑल ऑफ दफ्ट इंटरप्रिनर्स किससे मोटिवेट होता है भाई मनी से उसको आप वैल्यू देंगे पर्सनल वैल्यू से फुल इन्फ्लुएंस से फुल इन्फ्लुएंस है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ द न्यू बिजनेस

<clears throat> Essentially, a matching process. See, tha, benefit is the value for of a product features to a customer. It is a good idea for a small business to compete slowly on a price. So, this means a concept option D galat ki, it is a good idea for a small businesses to compete slowly on price. Next question number 19 The purpose of all good small businesses' strategy is to increase turnover, to increase profitability, to achieve competitive advantage, to achieve stated objective. बेसिकली पर्पस क्या होता है स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटजी का थी, वो क्या कर सके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके अचीव कर सके इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव

बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है मार्केट तक वो किसके मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू ही पहुंचती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है टू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स फाइनेंशियल इंटरमीडरी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंटरप्रिन्य को ताकि गवर्नमेंट में क्या कर सके अपना सेटअप कर सके तो दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट कैन बी डिफाइंड स्पेशली इन वॉल्ड वर्क प्लान डीज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बात कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा जो है जिसमें अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो दैट इज योर प्रोजेक्ट ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट इंटेंसिव की मार्केट इंटेंसिव तो लार्ज इन्वेस्टमेंट जो हम मेड करते हैं में, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही नेक्स्ट -E है पीई आर टी स्टैंड फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिसर्च टेक्निक्स बी है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स सी है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स की प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिसर्च टेक्निक्स तो बेसिकली पीई आर टी स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है प्रोजेक्ट इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विद द लिमिटेड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग नेटवर्क एनालाइजिंग बजट एनालिसिस के क्रिटिकल प्लानिंग कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इकोनॉमिकली जो है मिनिमम अवेलेबल टाइम होता है लिमिटेड रिसोर्सिस का दैट इज योर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क एंड परसीव हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट मतलब ऐसा कौन सा फाइनेंशियनिंग है जिसमें कि हम हाई टेक्नोलॉजी जिसमें रहती हाई रिस्क के रहता और उसका हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट रहता इज वो कौन सा होता है फिक्सड कैपिटल करंट कैपिटल सीट कैपिटल की वेंचर कैपिटल तो वेंचर कैपिटल एक ऐसा फाइनेंशियली स्पेशली है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी रहती है हाई रिस्क रहती है और जिसका हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डैस मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी यूज फॉर मैनुफेक्चरिंग द प्रोजेक्ट फैक्ट्री लेआउट प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट की कंबाइंड लेआउट तो ऐसा कौन सा लेआउट है तो बेसिकली प्रोडक्ट लेआउट इज दैट मशीन इक्विपमेंट्स आर अरेंज करते इन ऑर्डर और सिक्वेंस इन विच दे आर टू बी यूज फॉर मैनुफेक्चरिंग द प्रोडक्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपका द टर्म डिनोट्स बोनस और फाइनेंशियल एड विच इज गिवेन

कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं तो सही लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्राइमरी कंसर्न विदेंटिफिकोजांड पोटेंशियल ऑफ द ऑप्टीमल टेक्नोलॉजी टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस फिजिबिलिटी इनपुट एनालिसिस की फाइनेंशियलिस तो ऐसे कौन सा जो कंसर्न आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोजेट डिमांड पोटेंशियल एंडलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी तो आई होप ये आप लोग के ये थर्टी टू क्वेश्चन जो थे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रिनरशिप के समझ में आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल दो बिल्कुल संभावना है और बिल्कुल हंड्रेड परसेंट है कि क्वेश्चन आपके इसी में से फंसेंगे ठीक है ओके थैंक यू